हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल किरण सिंह वैशाली। बहुत ही सॉफ्ट मसालेदार लौकी के कोफ्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, लौकी के कोफ्ते सारे लोग पसंद करते हैं और इसे बनाना है बिल्कुल आसान, बहुत टेस्टी बनती है। तो चले हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 1 केजी लौकी को छिलकर और ग्रेट कर लिया है। अब हमें इस ग्रेट किए हुए लौकी को अच्छे से निचोड़ते हुए इसके सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना है। अच्छे से निचोड़ कर निकालना है ताकि हमारे कोफ्ते की बाइंडिंग अच्छी बने और वो टूटे नहीं। तो हमने सारे ग्रेट किए हुए कद्दू को निचोड़ कर एक्स्ट्रा पानी हटा दिया। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी बेसन। बेसन यहाँ वजन से 150 ग्राम है। इसके बाद हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच अजवाइन हाथों में क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद हमने 3 मिर्ची को काट कर लिया है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे मिलाते हुए हमें अंदाज करना है कि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी बेसन और डाल देंगे। यहाँ हमने 2-3 चम्मच बेसन और ले लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये परफेक्ट बन चुकी है। तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर पहले से रख दिया था, जो गर्म हो गया है। अपने गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और एक एक कर इस तरह से गोल गोल कोफ्ते बनाते हुए और कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में जितना एडजस्ट हो डालें और उलट पलट कर इसे सुनहरा होने तक पकाएं। गैस के फ्लेम को मीडियम रखें ताकि ऊपर से जले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब हम कुछ कोफ्ते को अच्छे से पकने दें। एक बैच हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरे बैच के कोफ्ते को भी इसी तरह से तल लेंगे। एक एक कर हमने सारे कोफ्ते को इसमें डाल दिया। अब हम इसे उलट पलट कर तल लेते हैं। दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा तेल को हटाकर और इसी तेल में 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 2 हरी मिर्च लंबे काट लिया है और 2 बड़े साइज के कटे हुए प्याज को डालकर अब हम इसे हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। जब तक हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है, 3 मीडियम साइज के टमाटर को ग्राइंडिंग जार में हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने पर 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इन सबों को हम अच्छे से भुनेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखें। मसाला हमारा पक गया। अब हम टमाटर के बनाए हुए प्यूरी को इसमें डालकर भून लेंगे। जब यह अच्छे से भुन जाए, मसाला से तेल अलग हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे पानी। कद्दू के कोफ्ते में पानी बहुत लगते हैं। इसके ग्रेवी को एकदम पतला बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ 3 ग्लास पानी डाले हैं, 750 ml के करीब। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी रखें। 1 उबाल आने के बाद सारे कोफ्ते को हम इसमें डाल देंगे। ऐसे लौकी के कोफ्ते को आप भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। सारे कोफ्ते डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला और ग्रेवी के स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाकर हमें हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट पकाना है। लौकी के कोफ्ते में ग्रेवी को एकदम पतला रखना होता है। ठंडा होने के बाद इसके ग्रेवी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। कोफ्ता हमारा तैयार है। हमने इसमें धनिया की पत्ती डालकर और मिला लेते हैं। अब तैयार है हमारा कोफ्ता। हम गैस को बंद कर देते हैं। थोड़े से ठंडे होने के बाद आप देख रहे हैं कोफ्ते का कलर और इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत आया है। एकदम सॉफ्ट
और मखमली। इसकी ग्रेवी पतली है, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद यह और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो तैयार है हमारा लौकी का कोफ्ता। एक बार आप ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारे वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।